डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रेपेजियम है जिसका एरिया 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड द हाइट इज 19 सेंटीमीटर। उस ट्रेपेजियम की जो हाइट है वो 19 सेंटीमीटर है, ये चीज हमें गिवन है यहाँ पे। तो फाइंड द साइड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड हैं ए बी और सी डी, इनकी हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है। इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर साइड। छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि इसमें हीरोन्स फॉर्मूले का यूज नहीं है, लेकिन चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला है इसलिए मैंने ऊपर हीरोन्स फॉर्मूला लिखा है। तो क्या करते हैं हम, लेट वन साइड, मान लेते हैं वन पैरेलल साइड इक्वल टू एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया, तो जो अदर साइड है 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द फर्स्ट, दूसरी साइड इसका 4 सेंटीमीटर होगा। तो एक पैरेलल साइड एक्स है तो दूसरी साइड हो गई एक्स प्लस 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी गिवन है 19 सेंटीमीटर। अब सभी को पता होना चाहिए कि एरिया ट्रेपेजियम क्या होता है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 400 कितनी है 75, 475 हाफ, पैरेलल साइड्स हैं, एक एक्स है दूसरी है एक्स प्लस 4 और हाइट है 19, तो 475 मल्टीप्लाई 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में 19 इक्वल टू 2x प्लस 4। यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 19 से देख लेते हैं कटेगा नहीं कटेगा, 19 टू जा 38 करके देख लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसे छोड़ना पड़ेगा। यानी पूरा हमारा यहाँ पे 25 से कैंसल हो रहा है, तो ये हो गया 50 माइनस 4 इक्वल टू 2x, एक्स इक्वल टू 46 अपॉन टू 23, यानी जो पैरेलल साइड्स हैं वो क्या हो गई, एक 23 सेंटीमीटर एंड दूसरी 23 प्लस 4 इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, क्योंकि एक साइड दूसरी से 4 सेंटीमीटर ग्रेटर थी। तो ये क्वेश्चन था ट्रेपेजियम बेस्ड, छोटा सा क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी हीरोन्स फॉर्मूले की, जहाँ पे आप हीरोन्स फॉर्मूले के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।